नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनिया थाना में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया गया है। यहां प्ले स्कूल की स्थापना की गई है, जिससे यहां के नौनिहाल भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आपको बता दें कि गुरुवार को खनिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में बस स्टैंड रोड पर PNV ATM के पास स्थित जैन प्रिंटिंग प्रेस वालों के मकान में सुज्ञान वृद्धि प्ले स्कूल का उद्घाटन पूर्व मंत्री एवं वर्तमान पिछोर विधायक KP सिंह कक्काजू के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान KP सिंह कक्काजू ने कहा कि अब खनिया थाना क्षेत्र के बच्चों का विकास शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर होगा। इस अवसर पर बताया गया कि यह स्कूल प्ले ग्रुप से कक्षा 6वीं तक अंग्रेजी माध्यम से शुरू किया गया है, जो नगर का पहला प्ले ग्रुप स्कूल है। स्कूल में आधुनिक सुविधाएं जैसे पढ़ाई के साथ खेलकूद की व्यवस्था, आधुनिक डांस एवं म्यूजिक क्लास, सभी कक्षाएं फर्नीचर युक्त, स्कूल में कैमरे की व्यवस्था, वाहन सुविधा, कंप्यूटर प्रयोगशाला, प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था, मोबाइल ऐप के माध्यम से अभिभावकों को संपूर्ण जानकारी की सुविधा, बाहर से आए अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। स्कूल के उद्घाटन समारोह में अरविंद लोधी जनपद अध्यक्ष, संजय शर्मा उपाध्यक्ष जनपद पंचायत, सत्येंद्र साहू अध्यक्ष नगर परिषद, कुलदीप सिंह उपाध्यक्ष नगर परिषद खनिया थाना एवं स्कूल संचालक हाजी हमीद खान दीवान जी, सोनू जैन जैन प्रेस, दीपक जैन, अमन जैन आदि समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूल की आधुनिकता को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में नगर के लोग उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए खनिया थाना से एजाज पठान की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।